दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2021 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। आपकी फेवरेट टीम पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर पर है, कौन कौन सी टीमें कितना पॉइंट चाहिए प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए, और कौन सी वो दो टीमें जो प्ले ऑफ से कंप्लीटली बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आठवें नंबर की। तो आठवें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद टोटल 8 मैच खेली आईपीएल 2021 में, 8 में से 1 में जीती है जबकि 7 में हारी है। वहीं इस टीम के पास अभी 2 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो -0.6 नेट रन रेट। अब इस टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 6 मैचों को कंप्लीटली जीतना होगा, अच्छे नेट रन रेट से जीतना होगा, तभी यह टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। वैसे मात्र 20% ही चांसेस हैं। वहीं सातवें नंबर पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स आईपीएल 2021 में 9 मैच खेली है, 9 में से 3 में जीती है जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के पास टोटल अभी 6 पॉइंट है। वहीं नेट रन रेट की बात करें तो -0.3 नेट रन रेट। अब इस टीम को बचे हुए 5 मैचों में से 5 मैच पूरे जीतने होंगे और अच्छे नेट रन रेट से जीतने होंगे, तभी यह टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। वैसे 30% ही चांसेस है प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। बात कर लेते हैं छठे नंबर की। तो छठे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस टोटल 9 मैच खेली है, 9 में से 4 में जीती है जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस टीम का नेट रन रेट भी काफी खराब हो चुका है, 8 पॉइंट के साथ ये टीम छठे नंबर पर है। वहीं नेट रन रेट की बात करें तो -0.3 नेट रन रेट। अब बाकी बचे हुए 5 मैचों में से 5 मैच पूरे जीतने होंगे और अच्छे नेट रन रेट से जीतने होंगे, तभी यह टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वैसे इस टीम के अभी भी काफी ज्यादा चांसेस है, 70% चांसेस है कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स टोटल 8 मैच खेली, 8 में से 4 में जीती है जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा। इस टीम के पास टोटल अभी 8 पॉइंट है। नेट रन रेट मुंबई इंडियंस से थोड़ा सा बेहतर है जिसकी वजह से पांचवें नंबर पर है। अब इस टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 6 मैचों में से 6 मैच पूरे जीतने होंगे, तभी यह टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वहीं बात करते हैं टॉप 4 की। तो चौथे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2021 फेज 2 में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करे, 9 मैच के लिए 4 में जीती है जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम का नेट रन रेट काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है जिसकी वजह से यह टीम चौथे पायदान पर पहुंच गई। बाकी बचे हुए 5 मैचों में से 5 मैच पूरे जीतने होंगे, अगर 4 मैच भी जीती है तो भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वही बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी ये मुकाबला हार गया लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये तीसरे पायदान पर ही है, क्योंकि इस टीम के पास अभी 10 पॉइंट है, जहां 9 मैच के लिए 9 में से 5 में जीती है जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं नेट रन रेट भी इस टीम का माइनस में। अब इस टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बच्चों ये 5 मैचों में से कम 4 मुकाबले और जीतने होंगे, तभी यह टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वैसे इस टीम के चांसेस काफी हाई लेवल है, 80% चांसेस है कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल टोटल 9 मैच खेली और 9 मैचों में से 7 में जीती है जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है। वही इस टीम के पास टोटल 14 पॉइंट है और नेट रन रेट की बात करें तो +0.6 नेट रन रेट है। अब इस टीम को कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि इस टीम के पास अभी बाकी बचे हुए 5 मैचों में से मात्र 2 ही मुकाबले और जीतने होंगे। वैसे अगर एक मुकाबला भी जीत जाती है तो भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन 2 मुकाबला जीती है तो 100% प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं पहले पायदान पर पहुंच चुकी है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग टोटल 9 मैच खेली है, 9 में से 7 में जीती है जबकि 2 में ही हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम के पास भी टोटल 14 पॉइंट हो चुके हैं। वहीं नेट रन रेट सभी टीमों से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, +1 पॉइंट नेट रन रेट इस टीम का चेन्नई सुपर किंग है, जिसकी वजह से यह टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये आईपीएल 2021 का 35 मुकाबले के बाद का नया पॉइंट टेबल। इनमें से आपकी फेवरेट टीम कौन थी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं आईपीएल 2021 में जो टोटल 4 टीमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, पहली टीम जो रहने वाली है दिल्ली कैपिटल, दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग, तीसरी टीम जो रहने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और चौथी टीम जो रहने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स। ये 4 टीमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन जो चौथे पायदान के लिए लड़ेंगे उसमें से पंजाब किंग, राजस्थान रॉयल्स या फिर मुंबई इंडियंस में तो कोई और भी टीम हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वहीं अगर हम बात करें पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप जिस खिलाड़ी के पास हो वह केएल राहुल है, बल्कि शिखर धवन के पास है, और जो पर्पल कैप की बात करें तो हर्षल पटेल के पास है। वैसे दोस्तों आईपीएल 2021 की ट्रॉफी कौन सी टीम लेकर जाएगी वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस बात इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।